खैर वहाँ तो कोई और पार्टी है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस है मुख्य रूप से उत्तराखंड में, और उसके अलावा है तो BSP है, उसका भी कोई बड़ा आधार नहीं है, तो वहाँ तो 2-पार्टी सिस्टम है, वो एक अलग बात थी। लेकिन वो तीनों उपचुनाव हार गए। ये पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी केंद्र में सत्ता में आए और वहीं से 5 लोकसभा सीट जीत के आई और उसके बाद तीनों उपचुनाव हार जाए। इसका जवाब उनके पास नहीं है। ये पूरा निर्भर करेगा कि सरकार किस तरह अपने वादों को पूरा करती है। ये भारत में एक बार थोड़ी ना हो रहा है, तो कई बार हो चुका। इंदिरा जी इतने प्रचंड बहुमत के साथ आई 71 में गरीबी हटाओ के साथ कि सारे बड़े बड़े नेता माने कांग्रेस के और तमाम लोग धराशायी हो गए, जनता ने उनको नकार दिया। उसी तरह 77 में जनता के इतने बड़े समर्थन के साथ जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी प्रधानमंत्री हुए, लेकिन कितना महीना लगा उनको, जिस तरह की नफरत उस वक्त कांग्रेस से थी, कोई इंदिरा गांधी और संजय गांधी की शक्ल नहीं देखना चाहता था इमरजेंसी के बाद। वो दो लोग स्वयं चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद उनको फिर से सत्ता में वापस आने में ज़्यादा समय नहीं लगा।